इंदौर जिले के महू बड़ंगोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ढाबे पर बीती रात कुछ युवक इंदौर से बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। यहां पर किसी बात को लेकर संचालक और युवकों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवकों ने ढाबे में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। महू के बाड़गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत केलोद फाटे पर स्थित दिव्यांशी ढाबे पर कुछ युवक इंदौर से शाम 7 बजे बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे थे। इसी दौरान इन लोगों की आपस में कहासुनी हुई, जिसमें ढाबा संचालक ने समझाइश दी, जिस पर ये ढाबे से चले गए। नौकर ने बताया कि देर रात करीब 11:30 बजे उनके ढाबे पर फिर से पहुंचे और ज्वलनशील पदार्थ डालकर ढाबे में आग लगाने की कोशिश की और हवाई फायरिंग भी की। साथ ही ढाबे में तोड़फोड़ कर कहने लगे कि हम लोग इंदौर के हैं। इस झगड़े में ढाबे के प्रकाश को चोट आई है, जिस पर उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। इंदौर से आए 10 युवक अपनी सफारी गाड़ी से फरार हो गए। बड़गोंदा थाना क्षेत्र का मामला घटना का पता चलते ही बड़गोंदा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की जांच में जुट गई है। इंदौर ब्यूरो के साथ देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। वो अरे वो आए इंदौर से आए थे, तो वो आए थे बर्थडे पार्टी मनाने आए थे, तो उन्होंने बोला हम यहाँ पे खाना खाएंगे बैठ के। तो हमारे सेठ ने बोला कि यार अभी के भी यार यहाँ हम तो पार्सल देते हैं, तो पार्सल देते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो 5 मिनट बैठेंगे, बस बैठ के निकल जाएंगे, थोड़ी देर की बात है। तो भैया ने बोला चलो ठीक बैठ जाओ। तो दारू पी रखी थी लपक के, पी पा के तो भैया ने बोला खाना लगवा दिया, सब कुछ हो गया, और बाकी आपस में लड़े वो। तो भैया लोग ने समझा कि उनको रवाना कर दिया। तो फिर वो आए 11:30-12 बजे करीब, तो आए थे पेट्रोल से यहाँ पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद फिर वो क्या मुआवजा लेके आए, चक्कू को लेके आए, हर वो अंदर आए, और अंदर आने के बाद क्या भैया को मारा और हम तो भग गए थे। फिर पुलिस को आपने सूचना नहीं करी? कर दी थी, इनके जाने के बाद हमने सूचना करी। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस आ गए 15 मिनट बाद, जब तक वो लोग निकल चुके थे। और क्या करा था हमने? फायरिंग? हाँ, फायरिंग करी 2 बार इन्होंने, बाहर करी थी। वो फिर आए पत्थरबाजी करी यहाँ पे, टेबल बाकी टीवी भी ये वो मतलब बहुत सारे, अरे उसमें पैसे रखे थे गले में, और यहाँ पे बहुत तोड़फोड़ करी। जब तक मैं यहाँ पे सर वेटर काम करता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद। मामला हुआ है क्या? रेस्टो मामला कल शाम को 7:30-8 बजे के करीब ये ढाबे पे जो है इंदौर के कुछ लड़के बर्थडे वगैरह मनाने आए थे, 6-7 लोग थे। इन्होंने खाना वाना खाया और उसके बाद इनका कुछ विवाद हुआ, ये चले गए। रात में फिर मोटरसाइकिल से आए ये लोग, उसमें एक लल्ली करके भौंरकुआ का है, वो स्ट्रीट शीटर भी है, तो वो भी था साथ में। और ये लोग फिर इनका कुछ विवाद हुआ, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, इन्होंने मारपीट भी हुई हल्की फुल्की, और फिर हाँ इन्होंने कंट्रोल रूम को बताया, कंट्रोल रूम ने हमें सूचना की, तो हम लोग सभी पहुंच गए थे और इनके नाम ट्रेस हो रहे हैं, तो तत्काल आजकल में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज लॉकडाउन का दिन है, थोड़ा ड्यूटी निमटने के बाद गिरफ्तारी। जानकारी लग रही है कि ढाबे पर आग भी लगा दिया था, रेस्टोरेंट में कोई गोली वगैरह भी चली? नहीं नहीं, वो देखा हमने, पन्नी जली हुई है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि उनने लगाई है, कैसे लगी है। वो बाहर जो पन्नी लटकती है, 1-2 पन्नियाँ जली है उसमें, तो क्लियर नहीं हो रहा अभी उसमें। और गोली का तो कुछ नहीं, उसमें कोई इंजुरी वगैरह नहीं आई, हमने इंजुरी वगैरह दिखवा ली, गोली चलने का ऐसा कोई अभी प्रमाण मिले नहीं है। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें जो भी जैसे होगा पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।